बैक हमारे इंस्टाग्राम को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है। तो वेलकम बैक। तो आज मैं जा रहा हूँ एक्वेरियम शॉप में। हमारे सेटअप में कुछ बड़ी चीज ऐड होने वाली है, मतलब मैं देखूंगा कुछ बड़ी फिश होगी, हम वो लेके आएंगे हमारे सेटअप में, क्योंकि हमारी टंकी वगैरह दो तीन जो जगह है वो खाली है और वो जो खाली अच्छी नहीं लग रही है। जैसे मैं अभी जा रहा हूँ एक्वेरियम शॉप में, तो भाई चलते हैं और वहाँ पे मैं आपको सीधा मिलता हूँ। हे गाइस वेलकम बैक। तो हम अभी पहुंच चुके हैं एक्वेरियम शॉप में, जो कि एक अंकल खड़े हैं, वो प्रोजेक्ट बना रहे हैं। और भाई यहाँ पे हम एंट्री मारते ही बहुत ही खतरनाक मछलियाँ है। और भाई मुझे सबसे मतलब मैंने देखते ही मैंने पसंद कर ली भाई ये चीज़ क्या है भाई, ये चीज़ है कैटफिश, जो कि बहुत ही खतरनाक है भाई। और मुझे यही चाहिए थी बहुत दिनों से, मैं मतलब इसके ही तलाश में था यार, हमें बड़ी साइज़ की चाहिए यार, बड़ी साइज़ की चाहिए। तो हमें फाइनली 1 फीट की कैटफिश फाइनली मिल चुकी है। तो देख सकते हो गाइज कैसी बेटी यार, मतलब कब की बेटी यार उसके नीचे। और आप देख सकते हो शानदार टैंक है, वो कैटफिश का है शायद। देखो यार कितनी खूबसूरत है यार भाई, सॉफ ग्रेवल्स का टैंक है मतलब सब। और उसके नीचे है कुछ नहीं दिख रहा यार मुझे यहाँ पे। ओ भाई 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 साहब कोई फिश का टैंक है। ओके। और यहाँ पे जाते हैं तो यहाँ पे देखते तो शार्क फिश थी, और यहाँ पे गोल्ड फिश है, नॉर्मल हमारी गोल्ड फिश के साथ और गोल्ड फिश है थोड़ी बड़ी साइज़ की। और यहाँ पे रेड कैप गोल्ड फिश है और ओरेंडा गोल्ड फिश, और यहाँ पे बिग साइज़ कोई है। और उसके बाजू में है क्या यार, ये विडो फिश जो कि पिंक कलर में। यहाँ पे मॉली फिश है, और यहाँ पे है कौन से यार, ये चिलचिड़ वैरायटी की है। और यहाँ पे है पैरट फिश, उनके साथ भी चिलचिड़ वैरायटी की फिश है। और उसके नीचे है भाई गोल्ड फिश, कोई फिश तो देख सकते हो। यहाँ पे वही ऑस्कर का मुझे एक पेयर दिखा, बहुत छोटा है हमारे पास है। और यहाँ पे जेबरा फिश है, जेबरा फिश के बाजू में एंजल फिश है, यार दिख नहीं रहा, नीचे से देखना पड़ेगा। और यहाँ पे है मिक्स कलर की शार्क जो कि वाइट और ब्लैक है। यहाँ पे नॉर्मल कोई, यहाँ पे मिल्की कोई, यहाँ पे शुभम कीन, और यहाँ पे नीचे आपको दिखा था अंकल 2 मिनट साइड में। भाई साहब यहाँ पे भी एक कैटफिश है यार, मैंने देखी नहीं भाई, कैसी बेटी यार, ये उससे छोटी है। बट हम ये भी लेंगे और वो भी लेंगे, तो भाई देखते हैं अभी हम दोनों पैक करवाते हैं, लगाते हैं। वो थोड़ी छोटी और है हमारी। तो फाइनली दोस्तों हमारी कैटफिश अभी पैक हो रही है। हमारे जो भाई है एक्वेरियम शॉप वाले, वो अलग अलग तरह के लिक्विड डाल रहे हैं, मतलब हमारी कैटफिश आराम से जाए, उसे कोई दिक्कत ना आए, मतलब फंगस वगैरह कोई इन्फेक्शन ना हो, कोई वायरल इन्फेक्शन ना हो, इसकी वजह से भाई ने बहुत सारे लिक्विड डाले। तो देख सकते हो अरे पानी पूरा ग्रीन हो चुका है, नॉर्मल पानी से पूरा पानी चमक रहा है। और भाई अभी कैटफिश निकलने वाली है, तो चलो जल्दी से निकालते हैं। यहाँ पे हमारी प्रोसेस भाई, सबसे बड़ी नेट ले ली यहाँ पे। और भाई साहब ये भाई, ओ भाई 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 धीरे 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 भाई धीरे, ओ भाई 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 भाई, वो भाई साहब, ओ भाई खतरनाक यार, कितनी बड़ी यार ये साहब, ये तो 1 फीट से भी लंबी दिख रही यार मुझे, भाई साहब खतरनाक यार, मैं इसे हाथ लगा कर देखता हूँ भाई। ओ भाई साहब कितनी बड़ी यार ये, खतरनाक। तो दोस्तों अभी हमारी बारी आती है दूसरी कैटफिश निकलने की, दूसरी निकालते फिर मैं उसे हाथ लगाऊंगा भाई, ऐसा मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। और भाई देख सकते हो पूरा कांच उठाना पड़ रहा है यार, अच्छा ग्राउंड टैंक है, मतलब मुझे ये आइडिया भी अच्छी लगी। तो ये देख सकते हो गाइस, ये ज़्यादा एक्टिव नहीं है, हाँ देख सकते हो, अभी मैं हम इसको भी डाल देते। तो देख सकते हो गाइस हमारे ये दोनों कैटफिश मैंने डाल दिया भाई, ये देखो थोड़ी छोटी हमारी, बड़ी कैटफिश है थोड़ी छोटी है, बट कोई नहीं, ओ भाई कितनी सॉफ्ट है यार ये। तो दोस्तों एक बड़ी दिक्कत हो गई हमारी, ये जो दूसरी छोटी वाली कैटफिश है थोड़ी इनएक्टिव है, इनएक्टिव होने की वजह से इसको थोड़ा बहुत मतलब इसका फिन का भी निकल चुका है, ऊपर का फिन निकल चुका है देख सकते हुए। अभी भैया ही इसकी ट्रीटमेंट करेंगे, जो मैं ट्रांसपोर्टिंग में लेते जाओ तो उसको कुछ हो गया, तो ये देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे इसका जो फिन है वो निकल चुका है, मतलब कट चुका है। तो मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता भाई, हम लेके जाएंगे और उसे कुछ हो जाएगा, इसकी वजह से मैं इसे 2-3 दिन में लेके जाऊंगा, इसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट हुई तब। तो ठीक है हम बड़ी अभी लेके जाते हैं। तो दोस्तों अभी ऑक्सीजन भर रहे हैं हम, मिलते हो आपको घर पे। तो दोस्तों रास्ते में एक बड़ी समस्या हो गई, हमारे जो कैरी बैग है वो लीक हो गई। और मैंने सोचा कि भाई ये अंकल के पास से मैं डब्बा खरीद लूँ और उसमें हम इसे आराम से लेके जाएंगे। तो दोस्तों हमारी कैटफिश मैं लेकर आ गया हूँ, तो भाई बहुत ही खतरनाक कैटफिश है,
हुआ था। अकेला रहता तो अकेले में मुझे काम नहीं जमते, इसकी वजह से मुझे अकेले काम करने पड़ते। इसने भाई बहुत ही ज्यादा शोर करना शुरू कर दिया, मतलब पानी देखो भाई, पूरा पानी खराब कर दिया आते ही। मतलब भाई ये देखो कितनी बड़ी यार शार्क भाई, इसके लिए हमें ना बड़ा टैंक बनाना होगा, मतलब बड़ा पॉन्ड ही बनाएंगे यार इसके लिए। यहाँ पे मैं इसको नहीं रखूंगा क्योंकि टैंक इसको छोटा पड़ेगा। देखो यार भाई 1.5 फीट का कांच है यार, 1.5 फीट की मतलब ये भाई कितनी बड़ी होगी यार ये भाई साहब। तो मैं क्या करता हूँ ना, अभी फिलहाल इसके यहीं पे रहने देता हूँ रात भर। कल हम इसके लिए कुछ ना कुछ जुगाड़ करके, बड़ी टंकी वगैरह नहीं तो कुछ ना कुछ पॉन्ड वगैरह जुगाड़ करके हम इसके लिए बनाएंगे, जरूर बनाएंगे। और एक्वेरियम वाले जो भाई थे, मुझे उन्होंने बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन दी इसके अबाउट, क्योंकि ना ये जो फिश है ना भाई दूसरे फिश के साथ नहीं रहती, अकेली रहती है, क्योंकि दूसरे फिशेस को ये डर निकल जाती है भाई। देखो देखो कैसे घूम रही है भाई 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 भाई, रुक गई भाई साहब। कैटफिश मुझे वैसे बहुत अच्छी लगती है, देखो देखो देखो, क्योंकि यार ये बहुत अच्छी रहती है, फीडिंग वगैरह बहुत अच्छी रहती है, फ्रेंडली फिश रहती है। तो मुझे भाई ने रेस्ट्रिक्शन ये दी कि भाई इसको है ना आपको अकेला रखना है। छोटी फिशेज आती है, मतलब इससे जो छोटी फिश होंगी, मतलब मॉली फिश, गोल्ड फिश, कोई फिश जो छोटी होती है ना, वो इसके साथ नहीं रह सकती, क्योंकि ये उनको अटैक करके, जब ये भूखी रहेगी ना उनके ऊपर अटैक करके सीधा निकल जाएगी और अपनी फिश पर ऐसा। तो हमें इसके लिए स्पेशल पॉन्ड बनाएंगे और इसके ही साइज के, हम इसके ही साइज से मतलब बड़े, इससे भी बड़े बड़े, मतलब हमारा जो शार्क है ना भाई, हमारा किंग है ना, ये मेरा डीजे फिश का किंग है ना, तो ये हम उसके साथ रखेंगे। तो जल्दी से जल्दी हम कल इसके लिए कुछ ना कुछ करेंगे। तो अभी रात हो चुकी है, तो मिलता हूँ भाई कल। फिर रात हो चुकी है और मेरा पूरा काम साफ सफाई का चल रहा है, मतलब मैं सब हमारा टेरेस है सब धो रहा हूँ, यहाँ पे धूल मिट्टी सब निकल जाएंगी, हमें इस टाकी को भी मैं कलर करना है। तो दोस्तों अभी हो चुकी है इवनिंग और हमारी जो टंकी है, मैंने इनको कल रात को पूरा कलर कर दिया जो कि इसको करना था, और हमारे दोनों थर्माकोल्स को मैंने कलर करके रेडी कर दिया। बहुत सारे भाई कह रहे थे कि आप वाइल्ड गप्पीज वगैरह ऐड करो, तो भाई मैं वाइल्ड गप्पीज वगैरह भी लाने वाला हूँ। तो हमारी वाइल्ड गप्पीज जो रहने वाली है, जो कि मैंने उनके लिए भी जगह बनाई है, पे हमारी वाइल्ड गप्पीज रहने वाली, मतलब एक इसमें हम वाइल्ड गप्पीज रखेंगे और हमारी जायंट गुरा में ना उसमें रख देंगे, क्योंकि जायंट गुरा में मैंने सुना है, मैंने देखा है और मैंने पढ़ा भी है कि जायंट गुरा में पॉन्ड्स में जल्दी बढ़ती है, और हमारी यहाँ पे हम कैटफिश रखेंगे ऐसा। अभी से हम क्या करते हैं, इसको टंकी को भर देते हैं और हमारी जो कैटफिश है उसको हम ऊपर लेके आते हैं। सकते हो हमारा जुगाड़ यहाँ से लेकर, मैंने ऐसा लेकर और यहाँ पे हमारी नली गई हुई है, मतलब हमारी कैटफिश यहाँ पे रहेगी, तो हमें ये टंकी भी भर लेनी है। देखो यार हमारा एलिगेटर गार्ड, ओ ओ ओ भाई 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 भाई। तो ठीक है, अभी ये टंकी का भरने का इंतजार करते हैं, और फिर हमारी अभी तक नहीं आया यार, इसकी वजह से पानी नहीं आ रहा है, यहाँ पे ना पूरा पिल पड़ गया था तो ये निकल लिया, और कही नहीं है 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 नहीं है। चलो ठीक है, अभी पानी भी आ रहा है तो अभी जल्दी से जल्दी भर जाएगा। पता है ना दोस्तों, जायंट गुरामी का तो अभी नहीं शिफ्ट करेंगे, जायंट गुरामी में 1-2 दिन में शिफ्ट करेंगे, क्योंकि अभी ठंड बढ़ रही है, ठंड की वजह से थर्माकोल थोड़े ठंडे हो गए, इसकी वजह से थोड़ा 1-2 दिन और रुक जाते, थोड़ी ठंड कम हो गई फिर हम शिफ्ट कर देंगे। हमारे जो कैटफिश है वो लेके आते हैं जल्दी से जल्दी, बहुत ही खतरनाक है भाई वो, मतलब भाई चीज, मतलब भाई खतरनाक चीज यार, बहुत ही खतरनाक है वो। कैटफिश के लिए हमारी जो टंकी है वो अच्छी सफिशियंट रहेगी, मतलब उसे ऑक्सीजन की तो जरूरत नहीं यार, उसको कोई फिल्ट्रेशन की जरूरत नहीं होती। तो मैं क्या करता हूँ, अभी हमारे कैटफिश को पकड़ता हूँ। अरे मैं अभी कैटफिश पकड़ने वाला हूँ भाई, तो अभी पकड़ते हैं। ओ भाई चलो जल्दी 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 जल्दी, ओ, ये देखो भाई, भाई साहब चलो जल्दी स्टॉप। तो फाइनली हमारी जो कैटफिश है मैं यहाँ पे छोड़ रहा हूँ, तो देख सकते हो, तो फाइनली हमारी कैटफिश अभी जा रही है, बाय बाय। ओ भाई साहब कितनी बड़ी दिख रही है यार हमारी, मतलब ये कम करीब पर है ना भाई, 1 फीट से ज्यादा है कैटफिश। मैं इसे एलिगेटर गार के साथ रखना चाहता था बट मैं नहीं रख रहा हूँ, क्योंकि भाई हमारा एलिगेटर गार कुछ ज़्यादा ही खतरनाक है, इसकी वजह से मैं इसको यहीं पे रखूँगा। हम जाएंगे वाइल्ड गप्पीज लेने के लिए, तो फिक्स नहीं है, देखेंगे। इसकी वीडियो में हमने हमारे सेटअप में कैटफिश ऐड की, तो भाई कैटफिश आपको अच्छी लगी हो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और हमारे इंस्टाग्राम को, मतलब मेरे इंस्टाग्राम को आप
फॉलो करो, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे रहा हूँ। तो भाई चलते हैं।